मन। हम आज जो कुछ भी हैं अपने विचारों के ही परिणाम हैं। मन इंद्रियों का राजा है, मन तो विचारों का पुंज है। विचार आते जाते रहते हैं, विचारों पर चिंतन करके व्यर्थ विचारों को दूर करें। 99% लोग शरीर प्रतिबद्ध होते हैं, शरीर की दृष्टि से विचार करते हैं, मन की दृष्टि से विचार नहीं करते। अतः मन की दृष्टि से विचार करना बहुत बड़ा पथ्य है। मन चंगा तो जग चंगा, मन खुश तो सब खुश, मन हंसे तो सब हंसे, मन रोए तो सबको रुलाए, मन एकाग्र तो सब काम अच्छे, मन चंचल तो सब काम बिगड़े, मन उछले तो सबको उछलाए, मन दृढ़ सफलता दिलाए, मन शक्ति देता तो सब कुछ अच्छा हो जाता, मन में परमात तो आलस्य छा जाता, मन अच्छा रहता प्राणायाम से, मन खुश होता संगीत से, मन प्रसन्न रहता है हर समय व्यस्त रहने से, मन बुद्धि को शक्ति मिलती आत्मा और चेतना से, मन समस्या को बुलवाए, मन समस्या को सुलझाए। जैसे कि कहा जाता है, मन की झूठी मैं मार डालो। हमको भी मन ने मारा, तुमको भी मन ने मारा, हम सबको मन ने मारा, आओ सब मिलकर मन को मार डालें। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। व्यक्ति कभी कभी जिस पर से मन को हटाना चाहता है, मन बार बार उसी की ओर अभिमुख होता है। गीता में कहा गया है कि दृढ़ता पूर्वक एवं बल पूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। इसलिए कहते हैं कि मन को कभी फुर्सत ना दे। ऐसा कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर। मन को किसी न किसी अच्छे काम में, किसी विचारशील कार्यकलाप में लगाए रखें। मन को आत्मचिंतन कराएं, तो कभी सत्संग करें, तो कभी ईश्वर नाम संकीर्तन करें, जप करें, अनुष्ठान करें। मन को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए अच्छे विचारों का मंथन करें। आश्रय है कि इसके पैरों में कार्य रूपी बेड़ियां डाल दें। आहार शुद्धि रखें। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। इसलिए हमें सादा व शाकाहारी भोजन करना चाहिए। निष्काम भाव से यदि परोपकार के कार्य करते रहेंगे तो भी मन की मलिनता दूर हो जाएगी। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करते रहना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखने के लिए छोटी मोटी परिस्थितियों से अपने चित्त की क्षमता ना खोएं। परिस्थिति की बजाय अपनी स्थिति पर कार्य करें। भले ही आपको कोई बुरा बोले अथवा हानि पहुंचाए, परंतु आप क्रोध ना करें। क्रोध करने से शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि क्रोध करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं है। इसलिए शांत रहें, स्वस्थ रहें और उपस्थित परिस्थितियों का समाधान बुद्धिपूर्वक यथा उचित करें। सुख में फूलो मत, दुख में निराश ना बनो। सुख और दुख दोनों ही बीत जाएंगे। ऐसा भी कहा है, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, तभी मन को याद दिलाएं कि यह भी बीत जाएगी। जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य का मन निर्मल जल के समान है। जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता,
जो भी रंग उसमें डाला जाता है वही रंग जल ग्रहण कर लेता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में उठता बैठता है वैसे ही विचार उसका मन ग्रहण करता है। मन में शुभ विचार भर जाने से मनुष्य कर्म भी शुभ करने लगता है, उसका जीवन भी शुभ एवं श्रेष्ठ बन जाता है। मन पर विवेकपूर्ण अंकुश लगाएं। मन बालक के समान है, बालक पर विवेकपूर्ण अंकुश हो तभी बालक सुधरते हैं। मन को कभी भटकने ना दो, उस पर विवेक का प्रयोग करके अंकुश लगाओ। मन को खराब संगत से बचाने के लिए इसके चारों ओर चौकी रूपी बाड़ लगाएं। मन पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष ही इस विश्व में बुद्धिमान और भाग्यवान है। जिसने अपने मन पर सब राज्य अधिकार कर लिया वह केवल अपने मन पर ही नहीं दूसरों पर भी राज कर सकता है। जिसने अपना मन जीत लिया उसने समस्त जगत को जीत लिया। मन की शीतलता से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ठंडा लोहा ही गरम लोहे को काट वह मोड़ सकता है। मन के संकल्प, यदि हम नित्य प्रातः मन के संकल्पों को समेटने के लिए कुछ समय लगाएं तो इसका दिन भर जादू जैसा असर रहेगा। मन के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। मनुष्य मन को एकाग्र करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन में एकाग्रता ना होने से त्रुटियां होती हैं और तनाव पैदा होता है। मन स्वच्छ एवं निर्मल होना चाहिए। एक स्वच्छ मन वाला व्यक्ति दूसरों की विशेषताएं देखता है, दूषित मन वाला व्यक्ति दूसरों में बुराइयां ही ढूंढता है। यदि हम दूसरों की कमजोरियां अपने मन में रखते हैं तो शीघ्र ही वे हमारे मन की भी कमजोरियां बन जाएंगी।